भाई गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह एसजेविन लिमिटेड। एसजेविन लिमिटेड एक आप लोग देखोगे पावर सेक्टर की कंपनी है, और इस शेयर के अंदर आपने देखा होगा अभी जो लास्ट में गिरावट देखने को मिला वो 2.5% के करीब है, लेकिन मॉर्निंग के बाद आप लोग देखोगे दोपहर के टाइम इसके अंदर एकदम से बड़ा फॉल हमें बनते नजर आया था। मॉर्निंग में तो 1% के आसपास शेयर टूटा हुआ था, लेकिन दोपहर में आपने देखा होगा स्टॉक एकदम से 5% डंप हो गया। और उस 5% डंप होने के पीछे का रीज़न क्या था? इसके क्वार्टर रिजल्ट्स, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स आते ही मैंने वीडियो डाल दिया था और वहाँ पर आपको कंप्लीट बताया था कि रिजल्ट्स कैसे हैं कैसे नहीं। इस वीडियो में हम जो है अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ है क्वार्टर वन के दौरान साथ में, और क्या क्या अपडेट्स आते हुए नज़र आई थी। हमने वहाँ पर जो है अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आपको बताए थे कि नंबर्स कैसे आए हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, और कल के लेवल्स क्या रहेंगे एसजेविन लिमिटेड के, क्या स्टॉक में क्वार्टर वन रिजल्ट की वजह से गिरावट होगी या फिर स्टॉक में जो है अभी एक तेज़ी बनते नज़र आने वाली है। तो 54.55 के भाव पर क्लोजिंग लिया है 2% की गिरावट के साथ, और जो वॉल्यूम आई है 2.72 करोड़ के करीब स्टॉक में हैवी वॉल्यूम हमें देखने को मिली है। तो चलिए पहले इसके जो लेवल्स है ना वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो ना अभी इसका जो रिजल्ट्स है वो हम डिटेल में देखेंगे, सही है खराब है, खराब है तो कितना खराब है, सही है तो कितना सही है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी एसजेविन का जो डाटा हमें देखने को मिला, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी लगभग 55.90, ओपन कहाँ पर हुआ 56.15 रुपये के भाव पर, हाई जो लगाया 56.30 का, यानी स्टॉक में तेज़ी बनी। उसके बाद आप लोग देखोगे शेयर में गिरावट होना स्टार्ट हुई, क्योंकि देखो एक बार तो मार्केट की वजह से भी स्टॉक में फॉल बना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे मार्केट में भी रिकवरी आई, लेकिन स्टॉक में तो रिकवरी नहीं आई है, ठीक है। लास्ट में जाकर रिकवरी जरूर देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो नीचे तक गया वहीं पर क्लोजिंग 52.75 तक नीचे में गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो आप लोग देखोगे 54.55 रुपये के भाव पर, यानी नीचे के लेवल से स्टॉक उठा। और मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे बाय पॉजिटिव ऑर्डर लगा हुआ है ना 2622 क्वांटिटी का, और इस ऑर्डर के चलते डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो 30% के करीब डिलीवरी उठी, डिलीवरी थोड़ी कम उठी है। जो शेयर ट्रेड हुए हैं 2.47 करोड़ के करीब और 75 लाख के करीब जो डिलीवरी वो उठाई गई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट पर इसके लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 54.20 का मैंने कल के दिन आपको सपोर्ट लेने के लिए बोला था, और आज के टाइम आप लोग देखोगे 54.20 को शेयर ने नीचे में काटा, ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई ना वो फिर से आप लोग देखोगे ऊपर में आकर हुई है। स्टॉक में हैवी सेलिंग आई, सेलिंग आते ही स्टॉक नीचे में 52 रुपये तक पहुँच गया था, फिर 52 से आप लोग देखोगे फिर से स्टॉक में रिकवरी बनी और 54.55 के भाव पर जो शेयर है वो क्लोजिंग लेते नजर आया है, ठीक है। ऐसे में अगर बहुत सारे निवेशक है आज के टाइम स्टॉक के अंदर आपने एंट्री लिया नीचे के लेवल से, या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं, पहले से ही आपने इसके अंदर एंट्री ले रखी है, स्टॉप लॉस आपका कटा तो आपने बेच दिया था, ठीक है, तो कल के दिन हमें क्या करना चाहिए बाय होल्ड सेल। तो यहां पर अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो नीचे में सपोर्ट इसका क्या बना है, वैसे तो 54 का भी ले सकते हो, लेकिन 53.65 का स्टॉप लॉस आप आई थिंक कल के आगे के लेवल्स के हिसाब से देखें तो 53.65 का स्टॉप लॉस इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर में 60 रुपये प्लस भी शेयर निकला था, बहुत सारे निवेशक वहाँ पर भी स्टॉक को लेकर बैठ गए थे, ठीक है, यहाँ से उठा लिया या फिर यहाँ से स्टॉक को उठा लिया। घबराना नहीं है कि भाई देखो रिजल्ट आए तो स्टॉक में 5% गिरावट हो गई, रिकवरी तो भी बनी है, रिजल्ट खराब नहीं आए हैं, ठीक है, रिजल्ट खराब नहीं आए हैं। आपको 1x1 करके डिटेल में एक एक जो आपके डाउट्स हैं स्टॉक को लेकर वो दूर करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट क्या रहेगा 15.65 का, और ऊपर में जो टारगेट है इसका वो 58.35 रुपये का, और ये शेयर डेफिनेटली 58.35 के लेवल आपको यहाँ से दिखाएगा। तो चलिए अब जानते हैं भाई इसके जो रिजल्ट्स हैं वो और उसका कितना असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी नंबर्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे इसके, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के जो नंबर्स है वो बता दिए थे ना, मेरे रिजल्ट्स कैसा आया है तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करके देखूँ, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देखोगे इसके इनकम में फॉल बना है, क्योंकि वहाँ पर 1072 करोड़ का रिवेन्यू हुआ था और अब की बार 744 करोड़ का रिवेन्यू में फॉल बना है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू में जंप है और कंपनी ने अभी पीछे बड़े बड़े ऑर्डर विन किए हैं, ठीक है, तो उनका असर अभी के टाइम नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अभी जो ऑर्डर विन किया वो कंपनी पूरा करेगी, उसके बाद उसका रिवेन्यू के अंदर ऐड होगा, और आगे अगर रिवेन्यू ऐड होगा तो आगे का जो रिजल्ट आएगा वो और भी जबरदस्त आने वाला है। तो यहां से आने वाले टाइम में जबरदस्त प्रॉफिट इसके अंदर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर थोड़ी बहुत गिरावट में स्टॉक आपको आज के दिन दिखाई दिया है ना तो ये तो एक झटके में ऐसे कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके प्रॉफिट की, सॉरी एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस आप लोग देखो भाई प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कितना था 420 करोड़ का, और अब की बार कितना है 362 करोड़ का, और प्रीवियस में कितना था 362
328 करोड़ का। तो एक्सपेंस में तो आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से गिरावट है ना, तो ये भी तो देखो। और इसी के चलते जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ 271 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप लोग देखोगे भी प्रॉफिट 17 करोड़ का था प्रीवियस में, और अब की बार 217 करोड़ का है। खुद देख सकते हो कितना हाई गया है, ठीक है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट में 10 टाइम से भी ऊपर में पहुंच गया है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, वहां पर 609 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है, ये मैं भी मानता हूं, ठीक है। जैसे सुजलॉन के रिजल्ट्स आए थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिले थे, लेकिन उनका इतना इफेक्ट स्टॉक के ऊपर नहीं आएगा। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत टूटेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे के लेवल से स्टॉक में फिर से रिकवरी बनेगी आज जैसे बनी है, और कल के दिन स्टॉक में फिर तेज़ी तो जरूर बनेगी। ये नहीं कि 1-2% अगर टूट जाए तो वहाँ से पैनिक होकर सेलिंग करने लग जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को होल्ड किया ना तो लॉन्ग टर्म के लिए बैठिए, और लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि 2-3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1-2 साल इसके लिए अगर बैठ रहे हो तो बैठो अभी। और EPS आप लोग खुद देख सकते हो अभी 74 पैसे का है, प्रीवियस में कितना था 38 पैसे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1.45, वहाँ से रिवेन्यू टूटे हैं बहुत ज़्यादा, ये मैं भी मानता हूँ। डेप्ट इक्विटी हाई होते हुए नजर आए, ये इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से डेप्ट इक्विटी हाई, अब की बार भी हाई देखने को मिला है, प्रीवियस क्वार्टर से भी हाई रहा है, ये एक इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है। साथ में आप लोग देखोगे जो इंटरेस्ट वगैरह कंपनी पे किया है वो यहाँ पर थोड़ा कम पे करते नजर आए प्रीवियस क्वार्टर से, ये अच्छी बात है। इनके चलते और हमें क्या देखना, नेट प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूँ तो 40.27% रहा है, जबकि प्रीवियस में कितना था 3.42% और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 60.67% के आसपास। तो ये इसके जो है अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। अब आती है मेन बात, यहाँ पर क्या कुछ अनाउंसमेंट हुआ, जैसे कि आप लोग देखोगे जो रिवेन्यू वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग स्प्लिट ये देख सकते हो किस सेक्टर से कितना रिवेन्यू हमें देखने को मिला है। और इसके चलते यहाँ पर जो आप लोग देखोगे अदर इनकम जो हमें देखने को मिली अब की बार 6,960 लाख की, यानी कि 69 करोड़ और 60 लाख की इसके अंदर हमें देखने को मिली है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कितनी थी 68 करोड़ 12 लाख की, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिली अदर इनकम्स, इन सबको देखते हो यहाँ पर आपको दिखाते हैं भाई जो इसका रिवेन्यू सेगमेंट्स हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देखोगे, ठीक है, जो हाइड्रो पावर से अब की बार कितना है 2006 करोड़ के आसपास, और ये जो ना आपको मिलियन यूनिट्स में देखने को मिलती है 2006 मिलियन यूनिट्स हमें अब की बार देखने को मिली है, ठीक है। और उसकी के चलते प्रीवियस ईयर में कितनी थी 798 और प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2677 के आसपास। उसके बाद आप लोग देखो विंड पावर है, ठीक है, इसमें हमें जो ना अभी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से डिक्रीजिंग देखने को मिला है, बट सोलर पावर के अंदर आप लोग देखोगे कंपनी का रुझान ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और इन आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे कंपनी का जो ना अभी बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलने हैं, ठीक है। भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल रखा है कि हर साल जो ना अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे, लेकर आएंगे, जिनका इंपैक्ट आप लोग देखोगे पावर सेक्टर की कंपनियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो इस शेयर के अंदर एज ए लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर वो ज़बरदस्त है, अंडर वैल्यू शेयर मिल रहा है अभी के टाइम, और लॉन्ग टर्म में इसके अंदर पैसा बनेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए चूज कीजिए, पैसा यहाँ पर डेफिनेटली बनने वाला है। और गिरावट रिजल्ट्स को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़े ख़राब आते नजर आए हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर धमाकेदार रिजल्ट आए हैं भाई, ठीक है। जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, अगले क्वार्टर में और इससे अच्छा आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।